नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, वैलेंटाइंस डे आ गया है। आज 14 तारीख है, 14 फरवरी, एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे। एंड मैंने ये वीडियो इसलिए शूट करने का सोचा ताकि मैं आपके साथ मेबलिन की, मेरी फेवरेट मेबलिन लिपस्टिक्स के बारे में बात कर सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं अपने रिकमेंडेशंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ये मेबलिन का टच ऑफ स्पाइस है फ्रॉम द क्रीमी मैट फॉर्मूला। बहुत अच्छा शेड है ये। इनफैक्ट मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई कर रखा है, पर येलो लाइटिंग में वॉश आउट हो रहा है, बट आई इंसर्ट गुड वीडियो सो एस सो दैट यू कैन हैव अ रेफरेंस। ओके, कमिंग बैक टू दिस, ये शेड पिंकी न्यूड शेड है और ये मैं बहुत सालों से यूज़ करती आ रही हूँ। एंड घबराए मैं सालों से यूज़ करती हूँ और तब इतना वो ऐसा नहीं है। इट्स अ री परचेज, आई कीप री परचेजिंग दिस वन। वाई, अगर आप इसका टेक्स्चर कभी से शॉप पे जाकर स्वॉच करना, ये बहुत अच्छा शेड है। प्लस इवन शेड रेफरेंस के लिए आई इंसर्ट क्लिप, शेड रेफरेंस बहुत अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है। वन साइड स्वाइप पे आप देखिए कितना अच्छा पिगमेंटेशन मिल रहा है। और वैसे तो ये मोर लेस आपको मीडियम स्किन टोन पे न्यूड जैसा दिखेगा, पर फेयर स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि मीडियम स्किन टोन पे अच्छा नहीं लगता, कभी कभी मुझे ना ये मैक मेहर की भी याद दिलाता है, क्योंकि सम हाउ इसकी टेंडेंसी है आपको वॉश आउट करने की। सो जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, इट सूट्स माई स्किन टोन आई वुड से। एंड शेड लुक्स रियली प्रिटी, रियली पिगमेंटेड। इसका एक और शेड है न्यूड नुआंस, ड्राइड रोज़, ये सारे शेड्स बहुत पॉपुलर हैं। और वैसे भी क्रीमी मैट रेंज काफ़ी अच्छी प्राइस पॉइंट पर मिल जाएगा आपको। नायका पर आपको सेल चलती रहती है, तो आपको ये 250-250 रुपये में मिल जाएगा। वैसे 350-350, आई थिंक समवेयर अराउंड 330 रुपीज़ का है। सो पिक इट ऑन सेल, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। हाँ, ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, तो ये क्रीमी मैट यू नो आप देख सकते हैं, एकदम सैटिन फिनिश नहीं है, स्लिपरी फील नहीं होता और ब्लीड भी नहीं करता। इट्स अ रियली रियली गुड फॉर्मूला, आई नॉट से लॉन्ग लास्टिंग और समथिंग, क्योंकि खाओगे तो इधर उधर ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट ज़रूर है, वाटर प्रूफ और ट्रांसफ़र प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है, विच इज़ फाइन। मैं एक्चुअली ऐसे लिपस्टिक्स को प्रेफर करती हूँ जो मेरी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड लिप्स को और ज़्यादा परेशान ना करे। सो दैट्स व्हाई आई लव द फॉर्मुलेशन। और मैं सबसे पहले आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपने अगर ज़िंदगी में मेबलिन की कोई भी लिपस्टिक ट्राई नहीं की है, देन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। मूविंग ऑन, टच ऑफ स्पाइस इतना ज़्यादा पॉपुलर शेड है आज की तारीख में भी, जबकि ये कितने सालों पहले शेड रिलीज हुआ था, और आज भी लोग इसके दीवाने हैं, एटलीस्ट मैं तो हूँ, दैट्स व्हाई आई कीप री परचेजिंग। तो रिसेंटली आई डोंट नो, एक आध साल पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मे बी एक आध साल पहले, मेबलिन ने उसका टच ऑफ स्पाइस का लिक्विड फॉर्म भी निकाला। ये मेबलिन का सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक है इन द शेड टच ऑफ स्पाइस, एंड वॉट अ शेड, इट इज़ वे डिफरेंट when you'll compare to this one, जो इसका बुलेट फॉर्म है, बहुत ही अलग शेड है। एंड मेक सेंस ऑल्सो, लोगों को सेम शेड देके फ़ायदा क्या था। इट्स अ पिंकी रेड काइंड ऑफ शेड, वेरी यूनिक इन माई ओपिनियन। और इसका आप देख सकते हैं एक स्वाइप में इसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा है। एंड आई लव दिस डो फुट एप्लीकेटर ऑल्सो, वेरी नाइस, कम्स इन हैंडी जब आपको अपने लिप्स पे से अप्लाई करना हो प्रोडक्ट को। आई लव द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस वन एज वेल, फील्स रियली कम्फर्टेबल, पाउडर मैट, एक्सट्रीमली पाउडर मैट फिनिश नहीं देता है कि आपको ऐसा लगे कि हाय मेरे तो जो लिप्स है वो एकदम जकड़े हुए फील हो रहे हैं, यू नो। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट्स वाई आई लव दिस वन। प्लस इसका जो प्राइस पॉइंट है, अगेन इट इज़ रियली गुड, डिस्काउंट पे बहुत सस्ते में मिल जाता है। अगेन ये वही 200-250 के रेंज में आपको मिल जाएगा आराम से नायका पे। यार मैं नायका या किसी के साथ स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं कर रही हूँ, मैं वहाँ से शॉपिंग करती हूँ। डेफिनेटली पर्पल पे, मिंत्रा पे आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, सो गो चेक इट आउट ओवर देयर। एंड ये मैंने जब ट्राई किया था, आई वाज थिंकिंग कि मे बी ये क्रीमी मैट फिनिश लिपस्टिक जो है इसका ही सेम शेड का उन्होंने लिक्विड लिपस्टिक बना दिया है, बट दैट्स नॉट द केस, और दैट वाज नॉट द केस। एंड आई स्टिल लव दिस शेड, एंड दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट इन दिस वीडियो। फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है जैसा कि मैं बता रही थी। तो अगर आपको अफोर्डेबल रेंज पे चाहिए, देखो अफोर्डेबल की अब डेफिनेशन दूसरी दूसरी होती है हर किसी के लिए, पर अगर आपको 200-250 में कोई लिक्विड लिपस्टिक ट्राई करनी है, यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई। और स्पेसिफिकली अगर मेबलिन की करनी है, मेबलिन इज़ अ रियली गुड ब्रांड, ड्रग स्टोर ब्रांड, पर आजकल तो ड्रग स्टोर मेकअप प्रोडक्ट्स के भी प्राइसेस हाई ही रहते हैं। जब उसके इवन इन यू ई यू विल फाइंड मेबलिन एट अ वेरी
प्राइसियस साइड। आप इंडिया में जाके जो 250 की चीज़ आ रही है वो यहाँ पे आपको 1000 रुपये में आराम से मिल जाएगी। दैट्स हाउ इट इज़। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि इसे आप चेकआउट ज़रूर से करना। इसमें आपको न्यूड न्यूआंस का भी लिक्विड शेड मिल जाएगा और भी बहुत सारे शेड्स हैं, सो डेफिनेटली गिव इट अ गो। देखो यार, पिंक लिपस्टिक्स की बात हो रही है और मैं मेबलिन के लिप क्रेयॉन्स के बारे में बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मेबलिन के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है इन टर्म्स ऑफ लिपस्टिक्स। आई रिमेंबर मेबलिन ने लिप ग्रेडेशन करके निकाला था, उसमें भी मैंने मूव वन और पिंक वन करके जो शेड्स थे वो पिक किए थे और वो शेड्स मेरे आज तक फेवरेट शेड्स हैं फ्रॉम मेबलिन। एंड मेबलिन के जो लिप क्रेयॉन्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं जेन्युइनली स्पीकिंग। वो इतने ज़्यादा अच्छे से लिप्स पे ग्लाइड करते हैं कि यू फील लाइक इट्स सो गुड एंड फील्स लाइक बटर। दिस वन इज़ फ्रॉम मेबलिन, तो मेबलिन का ये इन द शेड मोर ब्लश करके है, राइट। दिस इज़ इन द शेड मोर ब्लश, बहुत छोटे छोटे लिखा है, यू कांट रियली मेक आउट, बट दिस इज़ अ रियली प्रिटी म्यूटेड पिंक शेड, बट इट गोज ऑन रियली ब्राइट ऑन माई स्किन टोन और लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अगेन वन स्वाइप में आप देखें कितना अच्छा कलर पिगमेंटेशन मिला है और ये अगेन इसकी फॉर्मुलेशन ना मोर लेस इसकी जैसी है, टच ऑफ स्पाइस के फॉर्मुलेशन जैसी, नॉट द शेड, पर ये ज़्यादा क्रीमी है उसके मुकाबले, इसमें थोड़ा ग्रिप है। सो दैट्स फॉर योर कंपैरिजन एंड अंडरस्टैंडिंग। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। सो दिस इज़ वन रिकमेंडेशन दैट आई कांट स्टॉप इवन रिकमेंडिंग टू माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, लव दिस वन। इसके अंदर मेरे पास और भी एक शेड्स हैं, आई एम आईंग मोर रस्ट एक्चुअली, आई विल सी व्हेन आई कैन गेट दैट वन, आई विल डेफिनेटली परचेज दैट वन। और इसकी जो पैकेजिंग कितनी अच्छी है ना, ऐसी ओमरे टाइप की हुडा ब्यूटी की है मेरे पास डेमी मैट लिक्विड लिपस्टिक। हाउएवर ड्रग स्टोर में आई डोंट सी एनी वन हैविंग दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग, एटलीस्ट मेरे कलेक्शन में नहीं है। माइट बी रॉन्ग कि दूसरे ड्रग स्टोर के ब्रांड्स ऐसे बनाते हैं कि नहीं, बट मेरे पास ये है एंड आई लव द पैकेजिंग। बहुत अच्छा कलर कोऑर्डिनेशन भी है एंड ओम्ब्रे इफेक्ट इज़ रियली गुड एंड आई लव दिस शेड। एंड अगर आप डेली वेयर में भी इसे वेयर करना चाहते हैं, आपको ब्राइट पिंक्स पसंद है, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। और पार्टी वेयर के लिए भी इट इज़ अप्रोप्रिएट। हर किसी को एकदम बर्गंडी और रेड बोल्ड शेड्स वेयर करना अच्छा नहीं लगता, सो यू कैन गो फॉर दिस वन बिकॉज डेफिनेटली इट इज़ द सटल शेड। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट पिंक, सो नायका का टीचर्स ट्राइब इज़ माई फेवरेट पिंक लिक्विड लिपस्टिक फॉर श्योर, फॉर्मूला वाइज एंड कलर वाइज एज वेल। एंड पिंक लिपस्टिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक टाइम था जब मुझे सिर्फ रेड लिपस्टिक्स अच्छी लगती थी, फिर एक टाइम आया जब मुझे रेड और पिंक लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगने लगी। अब तो न्यूट्रल शेड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। कमिंग बैक टू दिस वन, ये मेबलिन का सुपरस्टे मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक है इन द शेड आर्टिस्ट। मुझे रटन तो याद इसलिए है क्योंकि मेबलिन की लिक्विड सुपरस्टे मैट इंक लिपस्टिक्स मेरी फेवरेट हैं। अमेजोनियन इज़ दी बेस्ट शेड दैट आई ओन और मेरे पास तकरीबन 7 से 8 शेड्स हैं मेबलिन के इस रेंज से। ये काफ़ी पुराना रेंज है और उसमें ये लोग शेड्स ऐड करते चले जा रहे थे, सो दैट्स अबाउट इट। ये शेड बहुत प्यारा शेड है और काफ़ी लोगों को इसकी फॉर्मुलेशन सुपरस्टे मैटिंग की फॉर्मुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि इसे हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दिस इज़ अ बेरी शेड, बेरी पिंक शेड, लव इट। अगर आप किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं या किसी पार्टी ओकेजन में नाइट आउट के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन वेयर दिस वन इफ़ यू जस्ट डोंट विश टू वेयर एनी बोल्ड रेड लिप, विच इज़ फाइन। बोल्ड रेड लिप पहनना कोई जुर्म नहीं है, सबकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। सो यू हैव गॉट वन ऑप्शन ओवर हियर एंड यू कैन डेफिनेटली गिव दिस वन अ ट्राई, इट लुक नाइस। मीडियम स्किन टोन पे तो लाजवाब लगता है। लव द वे इट एलिवेट्स द होल लुक, बहुत सुंदर लगता है। काफ़ी बोल्ड सी फीलिंग आती है इसे पहन के, कॉन्फिडेंस, यस कॉन्फिडेंस आ जाता है ऐसी बोल्ड लिपस्टिक्स को वेयर करके। एंड आई लव सच शेड्स, शेड बहुत प्यारा है एंड आई एम श्योर हर किसी को ऐसे बोल्ड शेड्स पसंद नहीं आते, इसलिए सटल ऑप्शन भी हैं आपके पास। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप दिस वन इन दिस वीडियो बिकॉज आई रियली जेन्युइनली लव दीज शेड्स, प्लस दिस वन इज़ रियली गुड। देखो यार, ऐसी लिक्विड लिपस्टिक्स जो काफ़ी लंबा आपके लिप्स पे टिकती है, नॉट ईजी टू रिमूव, उसके लिए आप ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर यूज़ करें। मैं तो गार्नियर का मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ,
जो कि ऑयल बेस्ड होता है एंड इट जस्ट ब्रेक्स द प्रोडक्ट रियली नाइसली एंड इट क्लेंजेस एवरीथिंग अप. सो दैट इज़ द प्रोडक्ट विच हेल्प्स मी इन रिमूविंग दिस वन. अदरवाइज ये हुडा ब्यूटी के लिक्विड लिपस्टिक्स के फॉर्मुलेशन को टक्कर देता है बिकॉज इट इज़ अ रियली रियली वेरी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक. काफ़ी लोगों को इसे पहनने के बाद जब ऐसे प्रेस करते हैं लिप्स तो चिपचिपा सा फील होता है. दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स दैट पीपल डोंट रियली लाइक दिस लिपस्टिक. माई से ऑन दैट इज़ डोंट ओवर अप्लाई. यूज a very bare minimum amount of product. I think you'll be happy. You can give it a try and let me know how it worked for you. So let's move on to the last one. So ye hai Maybelline ka vinyl ink superstay matte ink in the shade Koi. Oh my god, the whole makeup community went crazy for this. इतना ज़्यादा ओवर प्राइस था नहीं अमेज़ॉन पे, 100 दिरहम 4,000 रुपये का बेच रहे थे इसे एट वन पॉइंट इन टाइम. अभी तो ये आ गया है 1,000 रुपये की कैटेगरी में और इंडिया में भी 850-850 रुपये का मिल रहा है नायका पे. सो इट्स अ वेरी कॉस्टली लिपस्टिक. अमंग ऑल दोज लिपस्टिक्स दैट हैव शोन टुडे दिस इज़ द कॉस्टलीस्ट. सो ये नया लिपस्टिक लिप रेंज है. इसे आप वेयर करोगे तो आपको लिक्विड लिपस्टिक तो है ही विथ अ ग्लॉसी फिनिश, दैट इज़ वॉट इट इज़. और आजकल तो ट्रेंड ही चला है ऐसे, जैसे NYX ने निकाला हुआ है कि एक तरफ ग्लॉस रहेगा एक तरफ लिक्विड लिपस्टिक रहेगा. सो इसमें किसी तरीके का फॉर्मुलेशन है कि आप लगाओगे तो लिक्विड लिपस्टिक लेकिन आपके लिप्स पे ग्लॉसी फिनिश भी रहेगा. वो ग्लॉसीनेस विद टाइम सबसाइड हो जाता है. सो दैट्स दैट. हैविंग सेड दैट, इसकी लॉन्जिविटी ठीक है. आई वुड से कि ये वाला जो फॉर्मुलेशन है सुपरस्टे मैटिंग का, ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है. ये लॉन्ग लास्टिंग है और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट फूड आप खाओगे तो डेफिनेटली यहाँ से बट होल लिप्स हो ही जाएंगे. बट ईजी टू रीअप्लाई है. इसका फॉर्मूला काफ़ी लाइट वेट है एंड यस इट फील्स ग्लॉसी. डेफिनेटली आई वुड से इट इज़ ईजियर टू रिमूव वेन कम्पेयर टू दिस वन. That I'll give you. When I was applying this for the first time, मैंने shorts video में भी आपको दिखाया था. मुझे ऐसा लगा कि भाई ये भी इसी की तरह ना long lasting होगा, हटेगा नहीं. एंड मैनी पीपल स्ट्रगल, एस आई वॉज सेंग, इसको रिमूव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं. सो आई वॉज लाइक ओके फाइन, चलो मेरे पास वैसे भी ऑयल बेस्ड क्लेंजर है, विल सी. मैंने जैसे ही इसे अप्लाई किया एंड आई जस्ट लेफ्ट इट एंड आफ्टर सम टाइम आई वॉज ट्राइंग टू जस्ट रिमूव, इट वॉज प्रिटी ईजी टू रिमूव. That is a really good sign कि हर किसी को एकदम 50 घंटे लगाना पसंद नहीं होता अपनी लिपस्टिक को रिमूव करने के लिए. दे गेट इरीटेटेड, लिप्स गेट इरीटेटेड. हर किसी की स्किन भी सेंसिटिव होती है, राइट? सो डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप एज वेल. मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा शेड है. इट्स अ पर्पल बेस्ड मूवी पिंक एंड मुझे लगता है कि बहुत हद तक डीपर स्किन टोन पे शायद या शायद नहीं सूट करे ये शेड. आई एम नॉट रियली श्योर. अगर आप डीपर स्किन टोन है डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि आपका क्या ओपिनियन है, या आपने शेड को अप्लाई किया और आपको लगता है कि आपको ये सूट करता है या नहीं, जस्ट लेट मी नो. पर मीडियम स्किन टोन की जहाँ तक बात है, आई लव दिस शेड. जैसे पर्पल बेस्ड पिंक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे तो पर्पल लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लगती है. मेरे मैक की एक पर्पल लिपस्टिक हीरोइन ऑल्सो, दैट इज़ द वन विच आई हैव गॉट विद मी. आई लव सच शेड्स, आई लव सच यूनिक लिप शेड्स. सो कमिंग बैक टू दिस वन, आई लव द फॉर्मुलेशन. प्राइस पॉइंट बहुत हाई है, सेल पे ही लो, दैट इज़ वॉट आई विल से. इट्स नॉट वर्थ पेइंग 800-850 रुपीज फॉर दिस. मैं भी सेल पे अभी नायका पे देख रहे थे, 750-700 रुपये का मिल जाएगा. स्टिल इट इज़ कॉस्टली. और नीचे जाएगा दाम तो ले लो, लेकिन फॉर्मूला डेफिनेटली ट्राई करना, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आई एम श्योर यू माइट लाइक इट, क्योंकि यू नो कुछ समय तक आपको ये ग्लॉसीनेस वाला फिनिश देगा और फिर वो सबसाइड हो जाएगा. एंड इफ यू आर लुकिंग कि लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक ये ग्लॉसी रहे, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो दैट्स द ट्रूथ एंड विद दैट वे फिनिश दिस वीडियो. जस्ट वॉन्टेड टू स्वॉच दिस वन फॉर यू बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो. तो ये कुछ ऐसा दिखता है एंड आई स्वॉच इट हियर. दिस इज हाउ इट लुक्स, सच अ प्रिटी शेड. तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, मेरी वीडियोस देखना पसंद है और अभी तक आपने मेरे चैनल को समहाउ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए. और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे. मैं जल्द ही मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.